वाराणसी के सीर गोवर्धन में 25 से 27 नवंबर तक परम धर्म संसद बुलाया गया है। धर्म संसद शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के सानिध्य में होगा। इस दौरान वाराणसी पहुंचे स्वरूपानंद ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। आरएसएस पर शंकराचार्य ने कहा कि इनके यहाँ सरसंघ संचालक ही सब कुछ होता है, ये भगवा को गुरु मानते हैं। हिंदू शब्द का अर्थ मुसलमान जनता है, ये आरएसएस वाले नहीं जानते हैं। सरकार है देश, यूपी में भी है, केंद्र में भी है, लेकिन वीएचपी और आरएसएस दबाव बना रही है। बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है इस मामले पे। सरकार होने के बाद शांत बैठे हैं। आइए, क्या है प्ले है, आखिर आरएसएस भी तो उन्हीं की जुड़ाव है। ऐसा है कि इन लोगों की कोई बात का ठिकाना नहीं है। ये सब भाई भाई हैं, एक ने कहा दूसरे मसल में जो सरसंघ चालक होता है वही इनके यहाँ सब कुछ होता है, समझे नहीं। ये लोग भगवा को गुरु मानते हैं और सरसंघ चालक को जैसे ये सिखों के ग्रंथी होते हैं ना, तो ग्रंथ साहब जो हैं गुरुगद्दी में रहते हैं, ग्रंथी व्याख्या करते हैं, तो ग्रंथ साहब की जगह तो है भगवा, वो ग्रंथी की जगह है आरएसएस, वो सरसंघ चालक, वो जो कहेंगे माने वो गुरु कह रहा है। अगर हम कोई बात कहें अयोध्या में यहाँ बना लो तो वो नहीं मानेंगे ये लोग, और अगर वो कह देगा सरसंघ चालक तो ये सब करेंगे। आप देखिए ना, सरसंघ चालक के कहते ही ये लोग वहाँ पहुँच गए सम्मेलन करने। शिवसेना के मुद्दे पर शंकराचार्य ने कहा कि इनकी हिम्मत नहीं है अयोध्या में एक भी ईंट रखने की। शिवसेना चाहती है कि भाजपा ईंट रखे और फंस जाए। आंदोलन कर रहे हैं ये सरकार के अगेंस्ट जाके, वहाँ की जनता डरी हुई है, मुस्लिम डरे हुए हैं, लोग राशन इकट्ठा कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं इनकी हिम्मत नहीं है वहाँ ईंट रखने की, रख दें तो हम चाहते हैं, बड़ा अच्छा है, समझे नहीं। असल में तो लोग ये चाहते हैं, शिवसेना चाहती है कि भारत वहाँ ये भाजपा वहाँ फंस जाए, ईंटा रखने लगे और गोली चल जाए, ये सब साजिश है। वहाँ ये लोग कभी नहीं जाएंगे, ना शिवसेना जाएगी ना कोई जाएगा, केवल बेवकूफ़ बनाएंगे लोग, डर का माहौल बना रहे हैं इस तरीके का। नहीं, वहाँ का डर ही नहीं है, मुसलमानों से लड़ने कोई नहीं जा रहा है। हम पूछते हैं मुसलमानों ने क्या बिगाड़ा, वो तो मना नहीं कर रहे हैं। आप बनाइए ना वहाँ मंदिर, आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में इस समय, योगी की सरकार है, हम इंटरनेशनल बनाओ। कांग्रेस नेता सीपी जोशी द्वारा कोर्ट के निर्णय के बाद राम मंदिर कांग्रेस की ओर से बनाए जाने के बयान पर कहा कि ये कांग्रेसी क्या राम मंदिर बनवाएंगे, कोई ताकत नहीं है जो राम मंदिर बनवाए, राम मंदिर रामलला ट्रस्ट और शंकराचार्य ही बनवाएंगे। कांग्रेस के एक नेता है सीपी जोशी, उन्होंने कहा कि हमारी जब सरकार आएगी तो कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बनवाएंगे। ये कांग्रेसी क्या बनाएंगे, न कोई कांग्रेसी नहीं बनाएंगे, इनकी कोई ताकत नहीं है, रामलला ट्रस्ट ही बनाएगा, शंकराचार्य बनाएंगे, समझेगी ना, अब तक हम लोग नहीं खड़े होंगे। जहाँ हम जाके सिर झुकाएंगे वहीं जनता सिर झुकाएगी, इनके किसी की बनाई नहीं बनती। आरएसएस और विहिप की ओर से देश भर के सभी लोकसभा क्षेत्रों में राम मंदिर निर्माण को लेकर निकाले जाने वाली रैली पर कहा कि इनकी मशीन हटा दी जाए तो ये कहीं नहीं जीतेंगे। जितनी लोकसभा सीटें हैं देश भर में, बीएचपी और आरएसएस तत्कालीन सत्र के पहले जगह जगह रैलियाँ करेगी, चुनाव के पहले इस तरह की तैयारी है, ये किस तरह और राम मंदिर। सबसे मुख्य बात यह है कि अगर इनकी जो मशीन है वो हटा दी जाए तो कहीं नहीं जीतते, किसी हालत में नहीं जीतेंगे। अमित शाह पर कहा कि इनके बयान में दम होता तो गौ मांस का निर्यात बंद हो गया होता, सबकी कथनी और करनी में अंतर है। इनकी बयान की अगर कोई बात होती तो आज गौ मांस का निर्यात बंद हो गया होता, समान से बिल्कुल हो गई होती। सबसे दुख की बात तो यह है कि सवेरे उठते ही हम सुनते हैं हमारे इतने सैनिक मारे गए, आपको दुख नहीं होता, क्या कर रहे तुम्हारी क्षेत्र छाती कहाँ गई,
का पाकिस्तान हमारे देश में घुस घुस के हमको मार रहा है और हम सह रहे हैं, वो युद्ध के लिए ललकार रहा है और हमारे पास तैयारी नहीं, समझे नहीं? देश को कहाँ पहुँचा दिया, अरे सोच के देखो, 7 दिन के बाद तुम्हें आत्मसमर्पण कर देना पड़ेगा। वहीं सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि जनता नोटबंदी से परेशान है और सरकार मंदिर से विषयांतर कर रही है, कोई भी पार्टी मंदिर मस्जिद नहीं बना सकती। 25 तारीख को संसद धर्म संसद का भी आयोजन हो रहा है अयोध्या में, तो क्या रास्ता निकलेगा? आपने हम आपको बताएंगे कुछ नहीं है, केवल आपका ध्यान आकर्षित कराएंगे इस बात के लिए कि जो आप संतुष्ट हो रहे हैं शासन से उसमें आपका ध्यान न जाए, राम मंदिर की आशा से आप फिर उनको बैठा दें अपनी ऊपर। एक चीज और आपको बता रहे हैं जिस पर भी विचार होना है, वो ये है कि अब इनको अपने शासन को संचालित करने के लिए, क्योंकि दिनों दिन शासन का खर्चा बढ़ता चला जा रहा है, MLA जो एक बार हो जाता है, MP जो एक बार हो जाता है, उसकी पेंशन हो जाती है, रिजर्वेशन हो जाता है, और ऑफिसरों की तनख्वाह बढ़ती चली जा रही है। जब लोकसभा या विधानसभा में इनकी तनख्वाह बढ़ाने का प्रस्ताव आता है, सब एकमत हो जाते हैं। इन लोगों को अब राजस्व के पैसे से इनका शासन नहीं चल रहा है, इसलिए ये शराब बेच रहे हैं। अगर कोई शराब बनाता है तो ये रोकने क्यों जाते हैं? ये शराब के विरोधी नहीं है, नहीं तुम मत बनाओ मैं बनाऊंगा, तुम मत बेचो मैं बेचूंगा। अब उसके बाद इनकी नियत आपके मठ मंदिरों के पैसों पर, मठ मंदिरों के आभूषणों पर है, वहाँ के सोने चांदी पर है। ये चैरिटी एक्ट बनने वाला है, वो अगर बन गया तो देश की संपत्ति भी लूटी जाएगी। इस दौरान शंकराचार्य ने PM मोदी समेत सभी पार्टियों पर जमकर हमला बोला और मंदिर के नाम पर राजनीति न करने की सलाह भी दी। वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।